बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ऐसे को तैसा। मेरी सहेली के अपनी गली मोहल्लों के साथ, बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। वो कभी कभार उन्हें पैसे और खाने पीने की चीज़ें भी देती रहती थी, क्योंकि ये बच्चों की फौज बड़ी ताकतवर होती है। ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। थोड़ी बहुत ट्रीट से काफ़ी काम निकलवाए जा सकते हैं। गली की सारी खबरें इसके पास होती हैं। एक खबर ने तो ऐसा धमाका कर दिया कि सहेली की सीटी गुम हो गई। जब राजू ने हाँपते काँपते आते हुए उसे बताया, बाजी ऐसी खबर लाया हूँ कि आप हैरान रह जाएंगी। सहेली ने बड़े तजस्सुस से उसे बेंच पर बिठाया और पानी पीने को दिया और बोली, राजू बड़े अरसे से कोई धमाका खेज खबर नहीं दी तुम लोगों ने, चलो अब बताओ। शाबाश, और हाँ खबर पसंद आई तो शामी कबाब खिलाऊंगी तुम्हें। राजू ने मुंह बना लिया, रहने दें फिर बाजी, जो खबर मैं देने जा रहा हूँ आपको पसंद नहीं आएगी। राजू उठकर जाने को था कि सहेली ने उसका बाजू पकड़ लिया और बोली, बुरी खबर हुई तो कबाब के साथ बंद भी खिलाऊंगी, फिकर ना कर, बस अब बोल चुको फटाफट। बाजी वो रमज़ान चाचा है ना जिनका घर गंजे की दुकान के साथ है। हाँ हाँ जानती हूँ उन्हें, आगे बोल, सहेली ने कहा। बाजी वो आज शाम आपके घर आ रहे हैं, राजू ने बताया। क्यों मगर, सहेली ने तजस्सुस से पूछा। हमने तो उनके साथ कभी पंगा भी नहीं लिया, फिर क्यों आ रहे हैं वो? बाजी दरअसल वो, राजू हकलाया। बोल भी चुको हकले, सहेली ने बेताबी से पूछा। बाजी वादा कर डांटेगी नहीं? हाँ नहीं डांटूंगी, बता अब। बाजी वो आज शेदे की दुकान से मिठाई का टोकरा खरीदने गए थे, वहाँ सलमान चाचा ने उनसे पूछा खैर तो है, मिठाई किस खुशी में जा रही है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ बताना क्या कहा उन्होंने, सहेली ने बेताबी से पूछा। बाजी उन्होंने कहा कि वो आज मलिक साहब की बेटी राशिदा यानी उसी सहेली का रिश्ता लेने जाएंगे। अरे तुम्हें कैसे पता राजू, सहेली गश खाते हुए बोली, क्योंकि मैं भी वहीं खड़ा था, शक्कर पारे ले रहा था, शक्कर पारे वहीं छोड़ कर आपको खबर देने आ गया। सहेली हक्का बक्का थी, खबर ऐसी थी कि गोले की तरह सीधी उसके दिमाग में घुस गई। बाजी कैसी खबर थी, राजू ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए पूछा। धमाका, एकदम धमाका, सहेली ने परेशानी से कहा। तो फिर खिलाओ ना बंद कबाब। हाँ क्यों नहीं राजू, पहले काम करो, सारी फौज इकट्ठी करो और किसी तरह इन लोगों को रोको। अम्मा अब्बा तो बड़े खुश होंगे, पर मैं परेशान हो गई। क्यों बाजी, लड़का पसंद नहीं आपको, राजू ने शरारत से आँख मारते हुए कहा। दफा हो जाओ और कोई तरीका निकालो, ये हमारे घर ना आ सकें, अम्मा अब्बा को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर सबको बंद कबाब के साथ कोका कोला भी पिलाऊंगी, सहेली ने मन्नत समाजत करते हुए कहा। बस किसी तरह रोको उन्हें। अच्छा चलो बाजी, फिर बंद कबाब और कोका कोला तैयार रखो, देखो हम क्या करते हैं। राजू ने मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग की और किसी मंसूबे पर बहस मुबाहसा करने लगे। सहेली खिड़की से उनकी मीटिंग देखती रही और जल तू जलाल तू आई बला तू टाल तू का विर्द शुरू कर दिया। शाम पूरे 5 बजे रमज़ान चाचा चाची सकीना के साथ हाथ में मिठाई का टोकरा लेकर मलिक साहब के घर चल पड़े। गली के नुक्कड़ पर जाकर खड़े हो गए, क्या देखते हैं कि मलिक साहब के घर ऊपर जाने वाली हर सीढ़ी पर एक कुत्ता आराम से सो रहा है। गली के इन आवारा कुत्तों ने सबकी नाक में दम कर रखा हुआ था। रमज़ान चाचा कितनी देर बेबसी से उन कुत्तों को देखते रहे, चाची भी डरी डरी खड़ी रही कि इतने में फौज के किसी सिपाही ने एक पत्थर कुत्ते की जानिब फेंका। कुत्ता हड़बड़ाकर उठा और भौंकने लगा, देखते ही धकते सब कुत्ते जाग गए और पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। चाचा चाची इसे बच्चोगुनी समझकर वापस चले गए, जबकि अम्मा अब्बा उनका इंतज़ार करते रहे। अगले दिन बच्चों की फौज अपनी कामयाबी का जश्न मनाते हुए सहेली को बता रही थी कि हमने 8 कुत्तों को भंग पिलाकर आपके घर की सीढ़ियों पर बिठा दिया था ताकि कोई ऊपर ना जा सके। सहेली बहुत खुश हुई और बोली, वाह क्या खूब आइडिया था, तुमने तो कमाल कर दिया। वैसे ये आइडिया था किसका, सहेली ने फातिहाना अंदाज में पूछा। नौमी झट से बोला, ये आइडिया रमज़ान चाचा के बेटे का ही था, उन्होंने ही हमारी मदद की और हमें ट्रीट में बिरयानी खिलाने का वादा भी किया। वो कह रहे थे कि राशिदा इस मोहल्ले की सबसे ज़्यादा चवल लड़की है, मेरी जान छुड़ाओ उससे, मैं तो शादी किसी बड़े घराने से करूँगा। फिर रमज़ान चाचा वही टोकरा लेकर चौधरी साहब के घर चले गए और वहाँ उनकी बात पक्की हो गई।
अब कल हम बिरयानी की मौज उड़ाएंगे। धत, सहेली तो गज खा कर ही गिर पड़ी। अगर आपको ये आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।